चलिए सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए क्लास। आवाज वगैरह सबके पास में क्लियर जा रहा है ना? हाँ, आवाज वगैरह सबके पास क्लियर जा रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दो बाबू, आवाज वाज क्लियर जा रहा है सबके पास? चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए। देखो पिछले क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था जीव एवं समष्टियां। तो पिछला चैप्टर आपका कल समाप्त हो गया था, आज जो है आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है पारिस्थितिक तंत्र। देखो आज का जो हम लोग का चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है ना? आज के हमारे चैप्टर का नाम पारिस्थितिक तंत्र है, हेडिंग दे दो पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र। इसी को क्या कहते हैं? इको सिस्टम। देखो आज का जो हम लोग का यहाँ पर चैप्टर है इस चैप्टर का नाम क्या है? इको सिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। देखो पिछला जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे तो पिछला चैप्टर में एक वर्ड हम लोग को सुनने को मिला था जिसको हम लोग कहते थे पारिस्थितिकी। देखिए पिछला चैप्टर में हम लोग को मिला था पारिस्थितिकी और इस चैप्टर में क्या मिल रहा है? पारिस्थितिक तंत्र। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते थे इको लॉजी, इकोलॉजी। देखो बाबू ध्यान से समझो, यहां पर आपको समझना है कि पारिस्थितिकी क्या है और पारिस्थितिक तंत्र क्या है। हालांकि हम आपको पिछले क्लास में भी पिछले चैप्टर में भी ये सारी चीजें समझा चुके हैं, पारिस्थितिकी के बारे में पिछले चैप्टर में ही आपको पूरा डिटेल क्लास मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ पर चूंकि अब पारिस्थितिक तंत्र स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरा से इंटरलिंक है तो दोनों को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात कि पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम सीधे सीधे आपको बताए थे कि जब हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं। पृथ्वी पर क्या है? जीव जंतु। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि इन जीव जंतुओं के अलावे इनके चारों तरफ क्या है? पर्यावरण है, पर्यावरण या फिर वातावरण है, ये कहिए वातावरण। तो देखो तो अगर आपसे पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है तो आप ये कहिएगा कि किसी भी स्थान में स्थित जीव जंतु, ठीक ना, जीव जंतु तथा जो पर्यावरण है तो पर्यावरण के बीच संबंध से निर्मित तंत्र, ठीक ना? देखो अगर आपसे पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है तो आप क्या कहिएगा? सब लोग जुड़ गए हैं जी, खुशी, सोनाली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बाबू, सब लोग जुड़ जाओ। देखो अगर आपसे पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है तो आप क्या कहिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र मतलब किसी भी स्थान पर रहने वाले जीव जंतुओं तथा पर्यावरण के बीच में संबंध से निर्मित तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सबको समझ में आ गया ना? किसी स्थान पर जीव जंतु, रहने वाले जीव जंतु तथा
पर्यावरण के बीच में जो संबंध होगा तो उस संबंध से एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा, ठीक ना। या डायरेक्ट ठेठ भाषा में इतना ही कहिए ना कि किसी भी स्थान पर रहने वाले जीव जंतु तथा पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को ये क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। समझ गए ना, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सब लोग जुड़ गए, चलिए वेरी गुड। अब जो है इससे आगे हम आपको समझाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र सबको समझ में आ गया होगा। पारिस्थितिक तंत्र सबको समझ में आ गया है बाबू, पारिस्थितिक तंत्र सबको समझ में आ गया है ना। बोलो, सबको समझ में आ गया है पारिस्थितिक तंत्र, कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, चलो देखो से निर्मित तंत्र। अब देखिए यही जो पारिस्थितिक तंत्र है, तो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या हुआ कि जीव जंतु एवं पर्यावरण के बीच में संबंध, उसी को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और इसी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन, देखो यही जो पारिस्थितिक तंत्र है तो इस पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी कहलाता है। ध्यान से समझो, पारिस्थितिकी क्या है जी, तो पारिस्थितिकी मतलब पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन, और पारिस्थितिक तंत्र का मतलब अध्ययन का मतलब क्या हुआ कि जीवों, अब प्लस में पर्यावरण के संबंध का अध्ययन। देखो ध्यान से समझो, अगर आपसे पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है तो आप क्या कहिएगा कि जीव जंतु, किसी भी स्थान में रहने वाले जीव जंतु एवं पर्यावरण के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। समझ गया ना। और अगर आपसे पूछे पारिस्थितिकी क्या है तो पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी इसी पारिस्थितिक तंत्र के संरचना कार्य इन सारी चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। समझ गया ना। पारिस्थितिकी का मतलब क्या हुआ कि पारिस्थितिकी जो है वो पारिस्थितिक तंत्र का ही अध्ययन है, और पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन का मतलब क्या हुआ कि जीव जंतु एवं पर्यावरण के बीच में संबंध का अध्ययन। पिछले क्लास में बताया ना कि जीव जंतु एवं उनके जो पर्यावरण से जो संबंध है उसके अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी एक जैसे कि साइंस का ब्रांच हो गया और पारिस्थितिक तंत्र उसका जो है मेन आपका माने कंपोनेंट हो गया, ठीक ना। अब देखो, अब यहां पर समझाते हैं आपको कि जैसे पारिस्थितिकी शब्द की बात करें तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, पहले एच रेटर। तो ठीक उसी तरह से जो यहां पर आप देख रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र, तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग जो है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था यहां पर आर्थर जॉर्ज टॉन्सले, ठीक ना। उनका नाम क्या था, आर्थर जॉर्ज टॉन्सले। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले पहले पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप क्या कहिएगा, सर आर्थर जॉर्ज टॉन्सले ने सबसे पहले पहले पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। समझ गया ना। सब लोग इधर उधर का हो रहा है जी। चलो देखो, देखिए पारिस्थितिकी क्या है, तो जीव जंतु एवं पर्यावरण के बीच में संबंध से निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी कहलाता है। समझ गया ना। और आपसे पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले पहले किसने किया था, तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले पहले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, सर आर्थर जॉर्ज टॉन्सले।
सर आर्थर जॉर्ज टॉन्सले जो है, इन्होंने सबसे पहले पहले यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था, समझ गया ना। अब जो है इससे आगे लेके चलते हैं। हालांकि देखो ये जब प्रयोग किए तो इनसे पहले भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका नामकरण किया था, ठीक है। आर्थर जॉर्ज टॉन्सले जो है इनसे पहले भी एक व्यक्ति है जिन्होंने इसका नामकरण किया था, और उस व्यक्ति का नाम था थीन मैन, ठीक है। उस व्यक्ति का क्या नाम था? थीन मैन। तो थीन मैन जो है, थीन मैन ने इसे बायो सिस्टम कहा था। बायो सिस्टम, देखो ध्यान से समझो, थीन मैन नाम के एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने यहां पर जो पारिस्थितिक तंत्र है, तो पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहा था? बायो सिस्टम कहा था, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना चीज सबको समझ में आ गया होगा। अब एक और फैक्ट यहाँ पर ले लो, क्योंकि आपको हम बताए थे कि पारिस्थितिकी शब्द का एक डेफिनेशन ओडम नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने? ओडम ने, ओडम। तो ओडम ने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में भी कुछ बोला था, ठीक है ना। ओडम ने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में भी बोला, और इन्होंने ये कहा कि बाबू देखो जो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई है, चलो देखो। ओडम ने क्या कहा कि पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम जो है वो क्या है? इकोसिस्टम पारिस्थितिकी का मूल इकाई है, समझ गया ना, मूल इकाई है। तो चलो इतना चीज सबको समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बता दो, इतना चीज सबको समझ में आ गया है? सबसे पहला चीज कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जीव जंतु एवं पर्यावरण के बीच में संबंध से निर्मित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके बाद में पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले पहले? तो आर्थर जॉर्ज टॉन्सले ने किया था। थिनमैन ने इसको क्या कहा था? थिनमैन ने इसको बायोसिस्टम कहा था। और बाकी ओडम जो है, ओडम ने कहा था कि पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी की मूल क्रियात्मक इकाई है, समझ गया ना, सबको समझ में आ गया ना। साक्षी पटेल, गुड मॉर्निंग सर, एक बार रिपीट तो कीजिए। आप तो रिपीट कर दिए ना साक्षी, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है? हैं साक्षी पटेल, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर सबको समझ में आ गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना चीज अगर समझ में आ गया है तो चलो हम लोग थोड़ा सा इससे आगे अपने क्लास को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया है तो हम लोग अपने क्लास को इससे आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, अब जो है थोड़ा सा हम आपको बता दें कि पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक ना। कि जो पारिस्थितिक तंत्र है तो पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का हो सकता है, ये सारी चीजें हम आपको अब बताने जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ गया ना। चलो देखो, पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम बाबू बात करें तो इसमें ध्यान देना है कि सबसे पहले पहले ध्यान दो कि पारिस्थितिक तंत्र यहाँ ऊपर से बना रहे। देखो अब ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप की बात कर रहे हैं। देखो तो पारिस्थितिक तंत्र जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक होता है आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ये वो क्या होता है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है, जबकि दूसरा जो है उसी को हम लोग कहते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र।
तंत्र। देखो, एक वो आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हो गया और दूसरा क्या हो गया, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। ये दो मेन टाइप होते हैं। अब देखो, यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। तो जैसे देखो, अब मान के चलो कि बड़का बड़का जो जंगल है, तो जंगल को तो मनुष्य ले जाकर नहीं लगाया है। जंगल क्या है, वो प्रकृति के द्वारा पहले से ही दिया गया है ना। जो जंगल है तो जंगल को हम लोग लगाए हैं, नहीं लगाए है। उसको क्या किया गया है कि उसको भगवान जी बनाया, मतलब भगवान जी नहीं, यानी कि जो प्रकृति है वो प्रकृति में पहले से ही वन जो है वो उपस्थित है। इसी तरह से अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र तो कोई मनुष्य बना नहीं सकता है। समुद्र क्या, वो पहले से ही उपस्थित है, यानी कि उसको प्रकृति ने बनाया है अपने नियमों के आधार पर, उसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, समझ गए ना। तो वैसे पारिस्थितिक तंत्र जिसको बनाने के लिए किसी मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, बल्कि उसको किसने डिजाइन किया है, उसको प्रकृति ने डिजाइन किया है, तो वैसे पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग यहां पर कहते हैं प्रकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, समझ गए ना। जिसको प्रकृति ने खुद डिजाइन किया है उसको आप क्या कहिएगा, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। देखो इसके बाद आ जाओ, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका समुद्र हो जाएगा, इसमें आपका वन हो जाएगा, सागर हो जाएगा, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे, नदियां हो जाएंगी। अब देखो, ठीक इसी तरह से होता है कृत्रिम। तो कृत्रिम का मतलब ही क्या है, जिसमें कि मनुष्य के रोल जो है बहुत मेजर होगा, समझ गया ना। तो अब देखो, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की अगर बात करें, जैसे मान के चलिए कि आप बगीचा हो गया, तो बगीचा क्या लगाता है, हम लोग लगाते हैं ना, कहीं पे पेड़ 20-22 को लगा दिए तो बगीचा हो गया हमारा। इसके बाद में खेत, जिसमें फसल उगाया जाता है, तो खेत में फसल उगाने का कार्य कौन करता है, मनुष्य करता है, तो इस तरह से खेत भी हो जाएगा। इसी तरह से छोटा छोटा जो आप मान लेते हैं कि छोटा छोटा जो तालाब वगैरह लगा दिए, तो वो सब भी क्या है, छोटा तालाब जो होता है वो सब क्या है, वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक ना। मछली पालन के लिए आप छोटा छोटा तालाब बनाते हैं ना, तो वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी। यानी कि वैसे पारिस्थितिक तंत्र जो किसी मनुष्य के द्वारा जो है बनाए जाते हैं, ठीक ना, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसको हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो चलो इतना समझ में गया। अब देखो ध्यान दो, जो आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है ये भी, और जो आपका यहां पर कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है ये भी, ये दोनों के फिर से दो दो को टाइप बन जाता है। कृत्रिम का भी फिर से दो को टाइप बनता है और इसका भी फिर से दो को टाइप बनता है। इसमें भी एक वो टाइप होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और एक वो होता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। और एकरो में जाओगे तो एक वो होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और एक वो होता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, समझ गया ना। देखिए, जो आपके कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है और जो आपके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, इन दोनों का भी फिर से क्या है, सब टाइप है, ठीक ना। यानी इन दोनों को फिर से विभाजित किया गया अलग अलग टाइप में। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसको भी हम लोग जलीय पारिस्थितिक तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र इन दो भागों में डिवाइड करते हैं। और ठीक इसी तरह से जो आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होगा, इसको भी हम लोग किसमें डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में, जिसमें से एक हो जाएगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा का क्या हो जाएगा, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, समझ गया ना। अब देखो, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आखिर होते कैसे हैं। तो देखो, जो आपके स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, इसी में आपका हो जाएगा घास का मैदान। जैसे जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं ना, जैसे यूरोप में जाइएगा तो बड़े बड़े घास के मैदान है, सवाना घास का मैदान, पंपास घास का मैदान, ये सब क्या है, बड़ा बड़ा घास का मैदान, जो कि प्रकृति ने खुद से बनाया है, उसको किसी मनुष्य ने नहीं लगाया है, वो खुद से प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ठीक ना। तो वैसे जो घास के मैदान है उनको हम लोग किस में रखेंगे, स्थलीय जो आपका प्राकृतिक इकोसिस्टम है उसमें रखेंगे। क्यों, क्योंकि
क्योंकि जो आपका घास का मैदान है वो पानी में नहीं उगता है, वो कहाँ उगता है, वो स्थल पे उगता है, ठीक ना। इसीलिए उसको हम लोग इसमें कहाँ रखे, घास के मैदान को स्थलीय जो प्रकृतिक यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र है उसमें रख दिए। इसके बाद में इसी में आपका आ जाएगा वन, तो वन भी कहाँ लगता है, ये भी आपका पृथ्वी की सतह पर यानी कि स्थल पर लगता है, ठीक है ना। वन भी कहाँ लगता है, स्थल पर लगता है। और देखिए कि वन जो है, वन को भी किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, वन जो है कहां से, वहां पर बिना मनुष्य के क्रियाकलाप के ही वन जो है वो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं, ठीक ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वन जो है क्या हो जाएगा, प्रकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। इसके बाद में इसी में आपका हो जाएगा मरुस्थल। तो मरुस्थल भी क्या है, मरुस्थल को क्या कोनो आदमी बनाया है, नहीं ना, मरुस्थल भी प्रकृति के द्वारा दिया गया है और ये भी स्थल में पाया जाता है। तो इसको भी आप किस में रखिएगा, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में रखिएगा, समझ गया ना। तो इस तरह से ये सारे के सारे सिस्टम हो गए, यानी कि अगर आपसे पूछे कि स्थलीय जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका कौन कौन हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा घास का मैदान, इसमें आपका हो जाएगा वन, इसमें आपका हो जाएगा मरुस्थल, इतना चीज, समझ गया ना। अब देखो चलिए मैं आ जा, अब देखो प्रकृति के द्वारा ध्यान से समझना है, जो प्राकृतिक आपके यहां पर, ध्यान से समझिए थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहे हैं, जो आपके प्राकृतिक जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से एक आपका यहाँ पर ध्यान देना है कि एक जो आपका टाइप है वो हो जाएगा मृदु जलीय, मृदु जलीय एगो हो जाएगा, और एगो जो है ये आपका हो जाएगा खारा जल। देखो एगो कैसा पारिस्थितिक तंत्र, एगो कैसा जल वाला पारिस्थितिक तंत्र होगा, तो एगो मृदु जल वाला होगा और एगो कैसा होगा, एगो खारा जल वाला होगा। तो मृदु जल वाला पारिस्थितिक तंत्र किसे कहेंगे और खारा जल वाला पारिस्थितिक तंत्र किसे कहेंगे, ये भी आपको पूरा डिटेल में समझना है। देखो मृदु जल का मतलब हुआ कि जहां पे पानी जो है उसमें खारापन ना पाया जाए, मैंने वो मीठा हो, तो मीठा मतलब चीनी डालना नहीं होता है, जिसमें मैंने लवण की मात्रा ना हो, जिसमें मतलब जो है नमक की मात्रा ना हो, वो सॉल्टी ना हो, नमकीन जो पानी ना लगे, उसको क्या कहते हैं, उसको मृदु जल कहते हैं। जैसे जो चापाकल से पानी निकलता है तो वो प्रायः कैसा होता है, वो आपका हो जाता है मृदु जल। जो नदियों में पानी का प्रवाह होता है तो नदियों में जो जल होता है वो कैसा होता है, वो आपका होता है मृदु जल, समझ गया ना। लेकिन जैसे ही आप समुद्र की बात कीजिएगा, जो है मैंने सागर और महासागर की बात कीजिएगा, तो उन सब में जो जल पाया जाता है वो कैसा होता है, वो सॉल्टी होता है यानी कि खारा होता है, समझ गया ना। तो देखो तो जो जलीय पारिस्थितिक जो मृदु जलीय है, तो मृदु जलीय में आपका हो जाएगा कौन, मृदु जलीय में हो जाएगा आपका नदी हो जाएगा, इसी में आपका झील भी हो जाएगा। अब देखो झील को, टोटल झील को इसमें नहीं रखना है, समझ गया ना, जितना झील है उस सब झील को इसमें नहीं रख दोगे, इसमें कुछ ही झील को रखा जाएगा, टोटल नहीं रखा जाएगा। क्योंकि देखो जैसे मान के चलो कि तुम बात करोगे यहाँ पर कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर भी एक प्रकार के झील है, लेकिन वहां पे जो आपका जो मतलब पानी है उस झील में, वो कैसा होता है, वो खारा होता है। तो जो झील है वो खारे जल का पारिस्थितिक तंत्र भी हो सकता है और मृदु जल का भी पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। जैसे तुम सुपीरियर झील की बात करोगे, तो सुपीरियर झील क्या है, वो आपका यहाँ पर जो है मतलब वो मृदु जल वाला है, लेकिन अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पर जो मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर कैसा होता है, कैस्पियन सागर होता है आपका वहां पर खारा जल वाला, ठीक ना। तो जो झील है वो खारा जल वाला हो सकता है और मृदु जल वाला, दोनों प्रकार का हो सकता है, समझ गया ना। खारा जल वाला में अगर तुम देखोगे तो खारा जल में कौन हो जाएगा, खारा जल वाला में तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर सागर, इसी में हो जाएगा आपका महासागर, और इसी में क्या हो जाएगा,
झील, देखो इसमें सागर, महासागर और झील ये तीनों आ सकते हैं खारा जल वाला में। सागर मतलब जैसे जो छोटा छोटा समुद्र है उसको कहते हैं, महासागर मतलब क्या जो बड़का बड़का समुद्र है ओकरा कहते हैं, और झील मतलब जो है, झील तो आप लोग जानते ही हैं कि वैसे ही जल राशि जो क्या हो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं झील। अब देखो हम उम्मीद करते हैं कि मृदु जलीय और खारा जलीय आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक और टाइप आपको समझना है प्रवाह की दृष्टि से। तो प्रवाह की दृष्टि से जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है ये दो प्रकार का होगा, जिसमें से देखो यहां पर बना रहे हैं प्रवाह के आधार पर। तो प्रवाह के आधार पर जो आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र है ये दो प्रकार का हो जाएगा, ठीक ना। प्रवाह के आधार पर ये दो प्रकार का हो जाएगा, जिसमें से एक हो जाएगा प्रवाह जल, प्रवाह जल वाला पारिस्थितिक तंत्र एक हो जाएगा, और एक वो कैसा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका स्थिर जल वाला पारिस्थितिक तंत्र। एक वो प्रवाह जल वाला पारिस्थितिक तंत्र होगा और एक वो कैसा होगा, एक वो हो जाएगा आपका स्थिर जल वाला। प्रवाह का मतलब क्या होता है कि पानी के बहने की प्रवृत्ति, समझ गया ना। तो देखो जैसे तुम समुद्र की बात करोगे, जैसे तुम यहाँ पे सागर की बात करोगे, जैसे तुम महासागर की बात करोगे, जैसे तुम झील की बात करोगे, तो ये सबके सब क्या है, इसमें पानी एक जगह स्टोर रहता है, ये प्रवाहित नहीं होता है, एक जगह से बह के दूसरा जगह नहीं जाता है समुद्र में और झील में इन सब चीजों में, ठीक ना। तो जहां पे जिस पारिस्थितिक तंत्र में जल एक ही जगह स्थिर रहता है उसको हम लोग किसमें रखेंगे, स्थिर जल पारिस्थितिक तंत्र में रखेंगे। और स्थिर जल में कौन आ जाएगा, तुम्हारा सागर भी आ जाएगा, महासागर भी आ जाएगा और झील भी आ जाएगा। और जब तुम प्रवाह जल की बात करोगे तो इसमें ओनली कौन आएगा, प्रवाह जल में सिर्फ और सिर्फ नदी आएगा, जो झरना है वो भी आ सकता है, हालांकि झरना जो आपका इकोसिस्टम नहीं होगा, क्योंकि झरना जो है तो झरना में सिर्फ अजैव घटक होते हैं, उसमें जैव घटक नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से तो झरना, नदी, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे प्रवाह जल के। तो हम उम्मीद करते हैं इतना सबको समझ में आ गया होगा, इतना सबको समझ में आ गया जी, कमेंट करके बताओ इतना चीज सबको समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए एक बार। प्रियांशु कुमारी, साक्षी पटेल, दुर्गा कुमारी, सोनाली गोस्वामी, इसके बाद में अंशु कुमार, सबको समझ में आ गया बाबू, तो आगे बढ़े ना, बोलिए आगे बढ़े। चलो क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम लोग कहाँ चलाएंगे, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में। और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अगर हम तुम लोग से बात करें तो इसमें ध्यान देना है कि ये भी कितना प्रकार के हैं, दो प्रकार के, जलीय और स्थलीय। सबसे पहला काम कि इसमें जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है इसको देखेंगे। तो स्थलीय का सीधा सा मतलब क्या है कि जो पारिस्थितिक तंत्र आपका स्थल पे पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आपका हो सकता है खेत, ठीक ना। स्थल पे मनुष्य क्या क्या लगाता है, तो खेत लगाता है माने खेती करता है। इसके बाद में इसी में आपका हो जाएगा बगीचा, इसी में आपका हो जाएगा उद्यान। अच्छा बगीचा और उद्यान के मतलब समझते हो, बगीचा जो है, बगीचा और उद्यान में क्या डिफरेंस है, थोड़ा कमेंट करके बताइए। बगीचा और उद्यान जो है इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा हमको कमेंट करके बता दो बाबू जल्दी से, कमेंट करके बताइए कि बगीचा और उद्यान में क्या डिफरेंस है, कमेंट फास्ट बताओ, कमेंट करके बताइए।
बगीचा में, और जो आपका यहाँ पर उद्यान है उसमें क्या अंतर है? अच्छा, बगीचा में अधिक प्लांट होते हैं और उद्यान में क्या जानवर होता है? हैं? बगीचा में जब प्लांट होता है अधिक, तो उद्यान में जानवर होता है, बोलिए, कम होता है प्लांट? तो देखो, ऐसा कोई बात नहीं है, उद्यान में भी ज्यादा हो सकता है, ठीक ना। अब जितना तुम बायोलॉजिकल पार्क देखते हो, जैसे मान के चलो तुम चिड़ियाघर हो पटना गए, तो चिड़ियाघर पटना का जो है वो क्या है? एक प्रकार के उद्यान है, बायोलॉजिकल जो है पार्क है वो। तो उसमें, अच्छा, उद्यान में छोटे प्लांट होते हैं और बगीचा में बड़े प्लांट होते हैं। हाँ, ये कुछ सुटेबल है, लेकिन इसको भी उतना नहीं माना जाएगा। बड़े बड़े प्लांट उद्यान में भी पाए जा सकते हैं, ठीक ना। देखो, उद्यान जो है, उद्यान एक प्रकार का यहाँ पर सजावटी जो एक माहौल बनाया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे उद्यान कहते हैं। ये मतलब खूबसूरती दी जाती है जब, माने उद्यान भी एक प्रकार के बगीचे है, लेकिन उसको जब पूरा खूबसूरती प्रदान कर दिया जाता है, उसमें फूल उल पूरा लगा दिया जाता है, उसको थोड़ा सुंदर बना दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको उद्यान कहते हैं। ऐसे नॉर्मली जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको बगीचा कहेंगे, ठीक है ना। अब जो है थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, देखिए, इसके बाद में जो आपका जलीय है, तो जलीय वाला में सीधे सीधे ये समझ लो कि इसमें जो आपका जलजीव शाला, इसमें जो जलजीव शाला है वो हो जाएगा, इसी में आपका छोटे छोटे जो तालाब है इन सबको हम लोग रख सकते हैं। अच्छा, जलजीव शाला का मतलब समझ रहे हो? हाँ, जलजीव शाला का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बोलिए। हाँ, कमेंट करके बताओ बाबू, जलजीव शाला का मतलब समझ रहे हो? नहीं, दुर्गा कुमारी, सोनाली कुमारी बोल रही हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं, नहीं समझ रही है। तो देखो, जब चिड़ियाघर में जाइएगा ना पटना, तो पटना के चिड़ियाघर में वो आप मछली घर ही सब देखे होंगे, जहां मछली उछली को रखा जाता है। तो वो बताओ, मछली को हम लोग कौची में रखते हैं? का आसमान में उड़ा उड़ा कर रखते हैं? नहीं ना, वो पानी में रखते हैं। तो जो उसके लिए एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है, तो वो वाला जो पनिया है ना, जहाँ जलीय जीव हो, अंशु कुमार, अरे तो वो तो समुद्र में भी जलीय जीव रहता है, तब तो कहा जलजीव शाला बना दोगे? जलजीव शाला का मतलब एक कृत्रिम जो है जल राशि होता है, जिसमें हम जीवों को, माने पालने के लिए, जलीय जीवों को पालने के लिए हम लोग जो एक माहौल बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलजीव शाला कहते हैं। जैसे आप जाइएगा पटना में, तो आप मछली घर देखिएगा, तो मछली घर एक प्रकार के क्या है? जलजीव शाला है, ठीक ना। जलजीव शाला जो है छोटा छोटा में बनाते हैं, घरवा में अपना बनाते नहीं है, शिशवा वाला में, वो भी जलजीव शाला है, हालांकि वो इसमें नहीं रखा जाएगा, वो इको सिस्टम नहीं है, वो तो सजावटी हो जाता है, ठीक ना। एक्वेरियम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो एक्वेरियम जो है ये क्या है आपका? एक्वेरियम जो है एक प्रकार के, मैंने जल को जमा करके और उसमें जीवों को पालने के लिए बनाया जाता है, ठीक ना। बाकी तालाब तो सब लोग देखे होंगे, सब लोग गढ़ा देखा होगा, गढ़ा को ही क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं, समझ गया ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है वो सबको समझ में आ गया होगा इतना चीज। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो ले सकते हो। सबको इतना सारा चीज समझ में आ गया ना बाबू? हाँ? सर, इंग्लिश का टाइम चेंज नहीं होगा, होगा, देख रहे हैं, आज बात करेंगे सबसे, सब बोलेगा तब ना, देख रहे हैं, 8 बजे से कर देंगे, ठीक ना, 8 सवा 8 बजे से कर देंगे। चलिए, तो सबको आज ये आज का क्लास समझ में आ गया है ना? तो आज के,
बायो के क्लास को हम लोग इतना ही पे रोकते हैं, और इसके बाद में अब हम लोग अगले क्लास में बायो पढ़ेंगे, और जिनका बायो छूट गया है वो लोग अपना जो है वो लोग अपना यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर टीचमेंट ऐप पे आप मान लेते हैं कि कुछ बच्चे नहीं जुड़े हैं, तो आप जा करके यूट्यूब पे हमारा चैनल है ई पाठशाला बाई दीपक शर्मा, तो आप उस चैनल पे जा करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब लोग जितने लोग क्लास देख रहे हैं वो YouTube पे सर्च कीजिएगा, सर्च बॉक्स में ई पाठशाला बाई दीपक शर्मा, और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसपे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, और इसके साथ ही उसपे कॉम्पिटेटिव जो आप मान लेते हैं कि कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वहां पे वीडियो देख सकते हैं। उसपे नया वीडियो डाला जा रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। एक हम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश सॉरी कॉम्पिटेटिव बायोलॉजी जो है जनरल साइंस का भी बैच स्टार्ट किए हैं, अगर उसमें भी इनरोल होना चाहते हैं तो इनरोल हो सकते हैं। और टीचमेंट ऐप पे आप और भी जो बैच हैं उसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपके जो भी मित्र साथी हैं जो कि फर्स्ट ईयर में है 11th क्लास में जो साइंस लेने वाले हैं उनके वो भी आप बोल सकते हैं, बायो और इंग्लिश का क्लास टीचमेंट ऐप पे जो है ई पाठशाला के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है, तो वहां से अपना जो है परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू बाय।